नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा ही है कि हमारे पास आज पहुंच चुका है HP पवेलियन X360 वाला लैपटॉप और उसी की आज आपको यहां पे अनबॉक्सिंग भी दिखाने वाले हैं और साथ में फ्रेंड्स अपना जेन्युइन रिव्यू भी आपको बताएंगे कि इस लैपटॉप के साथ आपको क्या क्या मिलता है और क्या आपको ये लैपटॉप बाय करना चाहिए या फिर नहीं बाय करना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी ह्यूज अमाउंट हमने इस पर स्पेंड की है। तो चलिए इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो फ्रेंड, इस प्रोडक्ट को हमने अमेज़ॉन से बाय किया है और ये काफ़ी बड़ा बॉक्स है, ये पूरे फ्रेम में भी नहीं आ रहा, इसके अंदर ही हमारा लैपटॉप है। तो ये जस्ट आपको दिखाने के पर्पज़ के लिए मैंने इसको वीडियो में शूट किया है, हालांकि इसकी अनबॉक्सिंग मैंने पहले से कर ली है, लेकिन आपको बताने के लिए कि इस बॉक्स के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट की विंडो जो है बाई डिफ़ॉल्ट ही पीछे से ही इंस्टॉल होके आती है और उसके अलावा यहाँ पर कुछ ब्रांडिंग सी दी जाती है और इसके इस वाली साइड पर आपको कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर मेंशन है कि इसका जो प्राइस है वो लगभग 1 लाख के आसपास है और ये जो मॉडल है ये सितंबर 2020 में जो है मार्केट में आया था। तो उसके अलावा इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें मिला है विंडो 10 जो कि ओरिजिनल विंडो है, इसी के साथ ही आती है और साथ ही में ही MS ऑफिस 2016 हमें इसमें प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है। और अगर प्रोसेसर की बात करें तो इसमें हमें i7 प्रोसेसर लेटेस्ट जनरेशन हमें देखने को मिल जाता है, हालांकि मार्केट में आजकल i9 प्रोसेसर भी आ चुके हैं लेकिन i7 भी काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है। तो इसमें हमें जो स्पीड है काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, इसमें हमें i7 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। रैम की अगर बात करें तो हमें 16 GB DDR4 रैम इसमें देखने को मिल जाती है और उसी के साथ इसमें 2 GB ग्राफिक कार्ड भी देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड, ये तो हुई स्पेसिफिकेशन की बात और अब हम इसको दिखाते हैं कि इस प्रोडक्ट के साथ साथ आपको और साथ में क्या देखने को मिलता है। तो फ्रेंड, ये रहा प्रोडक्ट। सबसे इसकी खासियत बात यह है कि ये 360 रोटेटेबल है, इसको आप किसी भी मोड में रोटेट कर सकते हो। अगर आपको टैबलेट मोड में यूज़ करना है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसकी जो टच रिस्पॉन्स है वो काफ़ी बढ़िया है, पिछले 15 दिन से लगभग मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और मुझे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। और इसके जो की पैड है इनमें से भी आपको अगर अंधेरे में आप काम करते हो, ऐसी जगह पर आप काम करते हो जहाँ पर रोशनी कम है, तो इनके की पैड के अंदर से भी बैकलाइट आपको देखने को मिल जाती है। तो जिससे जो है आपका ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस आपको इस लैपटॉप से देखने को मिलेगा। और इसकी अगर स्पीड की बात करें तो फ्रेंड्स काफ़ी अमेजिंग इसकी स्पीड है, क्योंकि फ्रेंड्स इसके साथ i7 प्रोसेसर हमें देखने को मिलता है और उसके साथ जो 16 GB रैम देखने को मिलती है, तो इसकी स्पीड जो है अमेजिंग परफॉर्मेंस ये लैपटॉप आपको देने वाला है। और इसी के अंदर जो है हार्ड डिस्क आपको नहीं देखने को मिलती है, इसके अंदर आपको देखने को मिलती है SSD। तो आप सबको पता ही होगा कि जो SSD होती है वो हार्ड डिस्क के मुकाबले उसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी हम कह सकते हैं कि 4 गुना 5 गुना हार्ड डिस्क से ज़्यादा स्पीड होती है। तो इसमें जो स्पीड है आपको बाकमाल देखने को मिल जाती है। तो अगर इसके ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको एक पावर अडेप्टर देखने को मिल जाता है, वहाँ पर आप इसको कनेक्ट करके इसको चार्ज कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको HDMI पोर्ट देखने को मिल जाता है और उसके अलावा आपको यहाँ पर C-Type पोर्ट देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आप SD कार्ड को लगा सकते हो कोई भी डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर कॉपी करने के लिए। और दूसरी साइड पे आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है और उसी के साथ आपको पावर बटन यहाँ साइड पे दिया जाता है, क्योंकि ये फोल्डेबल है, अगर आप फोल्ड करके इसको यूज़ करोगे तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका बटन प्रेस ना हो जाए गलती से पावर वाला, तो इसलिए जो पावर वाला बटन जो है यहाँ पर आपको साइड में देखने को मिल जाता है। उसके अलावा आपको यहाँ पर भी एक USB पोर्ट देखने को मिल जाता है। तो इस पूरे लैपटॉप में लगभग आपको 2 USB पोर्ट देखने को मिल जाते हैं और एक HDMI पोर्ट देखने को मिल जाता है। VGA का पोर्ट इसमें नहीं दिया जाता, लेकिन मार्केट में आपको काफ़ी कनेक्टर मिल जाते हैं जो हमारे HDMI टू VGA कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो आप बाय कर सकते हो। और यहाँ पर ऑडियो का भी एक ही पोर्ट देखने को मिलता है, अगर आप माइक्रोफोन या फिर स्पीकर अलग अलग कनेक्ट करना चाहते हो तो उसका भी कन्वर्टर आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं मेरे पूरे ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये पिछले लगभग मैं 10-15 दिन से इस लैपटॉप को यूज़ कर रहा हूँ और इसके पहले मेरे पास i3 प्रोसेसर वाला लैपटॉप था और
और उसकी स्पीड में और इस वाले लैपटॉप की स्पीड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। काफ़ी अच्छी स्पीड इसमें देखने को मुझे मिल चुकी है। और इसकी जो डिस्प्ले है उसके बारे में मैंने आपको पहले नहीं बताया, इसकी जो डिस्प्ले है उसकी क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी है। जब मैंने यूट्यूब पे 4K में वीडियो प्ले करके देखा तो उसकी जो क्लैरिटी थी काफ़ी अमेजिंग थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपका बजट 1 लाख के आसपास है तो आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो, क्योंकि ये HP का ब्रांड है तो HP की जो सर्विस है वो भी काफ़ी अच्छी है और इसके साथ आपको 1 साल की वारंटी भी देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर इस लैपटॉप की कुछ कमियों की बात करें तो मुझे ज़्यादा कमियाँ इसमें नज़र नहीं आई, लेकिन हाँ, इसमें आपको सिर्फ 2 ही USB पोर्ट देखने को मिलती हैं। तो उससे ये हो सकता है कि कई बार अगर आपने वायरलेस माउस को कनेक्ट करना है या फिर आपने एक से ज़्यादा पेन ड्राइव को कनेक्ट करना है लैपटॉप के साथ तो आपको उस समय प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें जो सेकंड प्रॉब्लम है कि इस लैपटॉप के अंदर आपको लैन पोर्ट देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपको लैन पोर्ट का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। अगर आप लैन पोर्ट का इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको USB 2 लैन पोर्ट का कनेक्टर भी बाय करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे वाईफाई की ऑप्शन दी जाती है, अगर आप वाईफाई का इस्तेमाल करते हो तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और उसके अलावा फ्रेंड्स, काफ़ी यूट्यूबर्स का, काफ़ी फ्रेंड्स का ये कहना है कि ये लैपटॉप हीट होता है। तो नॉर्मली जो हमारे बाकी लैपटॉप्स होते हैं उसमें भी अगर हम हैवी टास्क परफॉर्म करते हैं तो वो भी डेफिनेटली हीट होंगे ही, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो जब ये अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करेगी तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा हीट करेगी, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी हीट का इशू देखने को नहीं मिला है। और उसी के साथ फ्रेंड्स, एक जो इंटरेस्टिंग बात कि इसी के साथ आपको HP की तरफ से एक पेन भी देखने को मिलता है। ये काम आता है आपकी ड्राइंग करने के लिए या फिर कुछ आपने ऐसी वीडियोस बनाने हैं जिसमें आपने कुछ सिलेक्शन करके बताना है, तो वो भी आप काफ़ी अच्छे से, इसका जो रिस्पॉन्स है काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और इसी पेन के ऊपर आपको 2 बटन भी देखने को मिल जाते हैं, उनको आप बाद में कस्टमाइज़ कर सकते हो कि कौन से बटन से आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, वो आप इसको बाद में मैनेज कर सकते हो, आपको लैपटॉप के अंदर सेटिंग देखने को मिल जाती है। और उसके अलावा आपको इस वाले मॉडल में जो मैंने बाय किया है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो अगर आप फ्रेंड्स बाय करना चाहो तो मेरे द्वारा दी गए लिंक से आप उसको बाय भी कर सकते हो। और इस पेन की खासियत ये है कि इसके आगे जो ये लिखने के लिए आपको मिलता है, इसके साथ एक्स्ट्रा आपको जो है 2 निब्स देखने को मिल जाती है। अगर मान लीजिए गलती से आपका पेन गिर जाता है और ज़मीन से टकराने की वजह से अगर ये निब खराब हो जाती है तो आपको 2 एक्स्ट्रा निब देखने को मिल जाती हैं, आप उसको चेंज करके दोबारा से इसको यूज़ में ला सकते हो। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है इस लैपटॉप लेके काफ़ी अच्छा है। आपको अभी ये अमेजोन पर 85,000 के आसपास जो है देखने को ये मिल जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स मैंने इस लैपटॉप को बायबैक में ऑर्डर किया है तो मुझे ये काफ़ी सस्ता पड़ा है अमेजोन से। अगर आपको एक अच्छा लैपटॉप, अच्छी स्पीड वाला लैपटॉप चाहिए जिसमें आपके सारे काम हो जाएं, चाहे आपने गेमिंग पर्पज़ के लिए लेना है, चाहे आपने वीडियो एडिटिंग पर्पज़ के लिए लेना है, तो फ्रेंड्स मेरी तरफ से आपको हाईली रिकमेंडेड है आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। आपको स्पीड में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप लैन पोर्ट का इस्तेमाल करते हो तो वो पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको VGA पोर्ट चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। और इसका जो स्क्रीन साइज़ है फ्रेंड्स वो 14 इंच है, तो 14 इंच के जो लैपटॉप्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे से हम उसको कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, अगर हमने लेके जाना है तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने अपनी इस वीडियो में आपको जेन्युइन रिव्यू दिया है इस HP पवेलियन लैपटॉप का, और अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको शॉर्ट पे मैंने अपना जेन्युइन रिव्यू इस लैपटॉप के बारे में दे दिया है। इस लैपटॉप का मॉडल है HP पवेलियन। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर जा सकते हो और आपको सारी जो स्पेसिफिकेशन है आपको वहाँ से पता चल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पर लिंक पर क्लिक करके इसकी सारी स्पेसिफिकेशन भी देख सकते हो, और अगर आप बाय करना चाहो तो इस लैपटॉप को बाय भी कर सकते हो। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने और भी फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक और नई वीडियो में एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।